हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, पिंक ग्लैम मेकअप लुक। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने इसे क्रिएट किया है। इसे मैंने ओलिविया का फाउंडेशन स्टिक से क्रिएट किया है और ये फाउंडेशन स्टिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हैवी नहीं लगता, आपकी स्किन टोन में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपको फुल कवरेज भी देता है ये फाउंडेशन स्टिक। और ये ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, चाहे इसे फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देता है आपको ब्लेंड होने के बाद। तो आपको इसे बस ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से ब्लेंड करना है इसे, क्योंकि ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में है तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको ब्लेंड करना है ताकि आपकी स्किन पर ये इवन लगे। इसमें मेरा शेड है टच एंड ग्लो और ये इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है। हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर ये वाला शेड परफेक्टली मैच कर जाता है। आप अगर थोड़े से विटी स्टोन पे हैं तो भी मैच कर जाएगा, थोड़े से फेयर हैं तो भी मैच कर जाएगा, आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला शेड ले रहे हैं तो ये टच एंड ग्लो सारे इंडियन स्किन टोन के ऊपर परफेक्टली मैच कर जाता है। और मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं कि इसे ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा ईजली और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है। बट यहाँ पर मैं ब्रश के थ्रू इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ब्रश से भी उतना ही अच्छा फिनिशिंग आता है जितना कि ब्यूटी ब्लेंडर से आता है। सो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, बस आपको यही ध्यान देना है कि ब्रश का ऐसा कोई आप ब्रश ना यूज़ करें जिससे ब्रश के लाइंस आ जाएं आपके फेस पे। तो आपको यही ध्यान देना है कि अच्छे से आपको ब्लेंड करना है अपने फेस पे, नेक पे, ईयर पे, आपको पूरे फेस को कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नेक भी और ईयर भी सब इवन लगने चाहिए। और इसे ही मैं एज अ कंसीलर भी यूज़ करूँगी, ये 2-in-1 वर्क करता है एज अ फाउंडेशन स्टिक भी और एज अ कंसीलर भी। तो आप इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं और मैं उसी ब्रश के थ्रू इसे ब्लेंड कर लूँगी अपने अंडर आई एरिया पे, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े से हाइड हो जाए, मुझे डार्क सर्कल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो गाइज, ये एज अ कंसीलर भी उतना ही अच्छा वर्क करता है जितना कि एज अ फाउंडेशन स्टिक वर्क करता है। तो इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखो, ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें, चाहे आप ब्रश का यूज़ करें, तो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो जब तक आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है किसी भी चीज़ की। सो गाइज, आपको ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी, जो मैंने अपने डार्क सर्कल पर कंसीलर अप्लाई किया था, ताकि मेरा कंसीलर केकी ना लगे, क्रीज लाइन ना पड़े और क्रैक ना करे। सो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से सेट करना होता है जहाँ भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे भी अच्छे से बेकिंग कर लूँगी ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और मुझे एक मैट फिनिश भी दे इससे। सो गाइज, ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपका 2-in-1 वर्क करता है, क्योंकि इसमें SPF 40 है, तो अलग से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये सन प्रोटेक्शन भी देता है और आपकी जो फाउंडेशन है उसको भी अच्छे से बेक कर देता है, अच्छे से सेट कर देता है, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो मैट लगे, हमारा जो लुक है वो मैट लुक है और आपको स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर आप कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट करते हैं। तो मैं एक ब्रश के थ्रू, पाउडर ब्रश के थ्रू अच्छे से अपने पूरे फेस पर बेकिंग कर लूँगी ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए और मेरे फेस पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टिक करे, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए मेरा जो भी मेकअप बेस मैंने अप्लाई किया उसे। सो उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये ब्राउन शेड का आईब्रो पेंसिल है। जब भी आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो आप ध्यान दें कि आपका जो आईब्रो पेंसिल है वो ब्राउन शेड का ही हो, ये नेचुरल लगता है। अगर आप ब्लैक यूज़ करते हैं तो वो उतना ज़्यादा नेचुरली नहीं लगता है आपके ब्रोज पे। तो आप कभी भी आप आईब्रो पेंसिल ब्राउन शेड का ही लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। सो इससे मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से शेप दे दूँगी और अच्छे से फिल भी कर लूँ। आईब्रोज़ को फिल करना, आईब्रोज़ को शेप देना मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि जब तक आपके आईब्रोज़ एट्रैक्टिव नहीं लगते तो आपके लुक में ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। आईब्रोज़ को मैंने फिल कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसका जो फर्स्ट शेड है वो एक न्यूड शेड है, उसे लेके मैं अपने क्रीज पे, अपने आई लीड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और आप जब भी आई शेडो अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपको कोई सा भी ट्रांजिशन शेड लेना चाहिए जो न्यूड शेड हो, तो वैसे ही शेड को आपको लेके अपने पूरे आई लीड पे, अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, ताकि इसके बाद अगर हम कोई डार्कर शेड अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉप अप होके आता है और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक भी आता है हमारे आई मेकअप पे। सो गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं तो आई मेकअप के लिए आपको आई मेकअप ब्रश का ही यूज़ करना चाहिए। आप अगर फिंगर से ब्लेंड करते हैं 2-3 कलर को तो अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पाती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको आई मेकअप ब्रशेस का ही यूज़ करना चाहिए। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड भी होता है आपका आई शेडो और फिनिशिंग भी बहुत
ही ज़्यादा अच्छे से आती है और आपको पता भी चलता है कि आपको कौन से आई शेडो ब्रशेस को कहाँ पे यूज़ करना है, सो उसके थ्रू आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये न्यूड शेड को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, उसके बाद एक डार्कर शेड लूँगी, थोड़ा सा पिंक शेड। पिंक ग्लैम मेकअप लुक हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए मैं पिंक शेड लूँगी और अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आउटर कॉर्नर पे भी, ताकि इससे मेरे आईज को अच्छे से शेप मिल जाए। इस पिंक शेड को मैंने अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं हिलेरी योडा का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। इसमें का जो गोल्डन शेड है उसे मैं अपने आई लीड पे अप्लाई करूँगी। इससे हमारे आई लुक को एक अच्छा सा शिमरी लुक मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है आपके आई मेकअप पे। तो यहाँ पे मैं गोल्डन शेड लूँगी और अपने आई लीड पे अप्लाई करूँगी और इसमें सारे ही जो भी शेड्स हैं वो सारे ही सिमर शेड्स हैं। तो ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसे ही मैं अपने फिंगर टिप से लेकर के पैट करूँगी अपने आई लीड पे। सो गाइज, ये जो गोल्डन शिमर शेड है इसको आपको पैट बस करना है अपने आई लीड पे, आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है अपने आई मेकअप लुक में। और गाइज, आपको जो पिंक शेड आपने अपने क्रीज पे अप्लाई किया था उसे आपको फिर से लेना है मेकअप ब्रश में और उसके बाद आपको वहाँ पे अच्छे से फिर से ब्लेंडिंग करनी है, ताकि जो हमारा शिमर शेड अगर हमारे क्रीज पे लग गया हो तो वो अच्छे से फिर से फिनिशिंग में आ जाए। सो बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पे हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा वर्थ आईलाइनर है इस प्राइस रेंज में और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके आईज को लुक भी देता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। विंग आईलाइनर क्रिएट करने के लिए आपको आउटर कॉर्नर पे एक विंग क्रिएट करना होता है और उसके बाद आपको इनर कॉर्नर से उसे ज्वाइन करना होता है। बस आपका विंग आईलाइनर क्रिएट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप विंग आईलाइनर क्रिएट करें तो आपको आउटर कॉर्नर पे पहले विंग क्रिएट कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे ज्वाइन करके उसे अच्छे से फिल कर लेना चाहिए, तो आपका विंग आईलाइनर इससे क्रिएट हो जाता है। सो गाइस, मैंने आईलाइनर क्रिएट कर लिया। उसके बाद बारी आती है हमारे मस्कारा अप्लाई करने की। तो मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं मेबलिन का हैपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से आपके आई लैशेस को कर्ल कर लेता है, बहुत ही अच्छे से आपके आई लैशेस को कोट करता है। अगर आप ये मस्कारा यूज करते हैं तो अलग से आपको फेक आई लैशेस यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके आई लैशेस को बहुत ही अच्छे से कर कर देता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे आपके आईज में। सो गाइज, मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद बारी आती है हमारे ब्लश की और हाइलाइटर की। सो गाइज, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ। इसे भी मैं 2-in-1 की तरह यूज करूंगी। इससे मैं ब्लश और हाइलाइटर दोनों की तरह ही यूज करके अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे अप्लाई कर लूंगी, तो ये 2-in-1 की तरह वर्क करेगा मेरे फेस पे। सो गाइज, ये जो हाइलाइटर पैलेट है और ब्लश पैलेट है ये बहुत ही ज्यादा चंकी नहीं लगता है आपके फेस पे, बहुत ही ज्यादा सेटल लगता है और बहुत ही अच्छा आपको ग्लोइंग भी दे देता है आपकी स्किन पे, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लगती है आपकी स्किन। और आपको नोज पे भी अप्लाई कर लेना है, अपने आईब्रोज पे भी, आपको लिप्स पे भी अप्लाई कर लेना है, अपर लिप्स पे, और आपको चिन पे भी अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, आप जहाँ भी हाइलाइटर यूज करते हैं वहाँ पे आपको ऐसा इसे हाइलाइटर यूज कर लेना है, और आप जहाँ पे भी हाइलाइटर यूज नहीं किए हैं वहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके फिर से सेट कर लेना है, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपको सन से भी प्रोटेक्शन दे, क्योंकि इसमें SPF 40 है। तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे भी जहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज नहीं किया है वहाँ पे अप्लाई कर लूंगी, और नेक पे तो मैं इसे पूरा अप्लाई कर ही लूंगी ताकि मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम इससे ना हो। सो गाइज, उसके बाद हमारी बारी आती है लिपस्टिक की, और ये सबसे ज्यादा फेवरेट काम होता है लिपस्टिक को अप्लाई करना। सो गाइज, मैं लिपस्टिक के लिए ब्लू हेवन का एलिगेंट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। इसमें जो मेरा शेड है वो शेड नंबर 11 है, और गाइज ये जो न्यूड शेड है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टली लगता है। अगर आप ऐसा न्यूड शेड कोई ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपके लिए बहुत ही परफेक्ट न्यूड शेड है इंडियन स्किन टोन के लिए। सो गाइज, इस लिपस्टिक को मैं अपने लिप्स पे एज अ लोअर लेयर लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट न्यूड शेड है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसे अप्लाई करके। बट गाइज, मैं अपने पिंक ग्लैम मेकअप लुक को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पे इनसेट कॉस्मेटिक का एक पिंक शेड अप्लाई करूंगी। बहुत ही ज्यादा प्यारा पिंक शेड है ये, उसका शेड नंबर है 24 चार्म्ड, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफेक्ट शेड है। और ये दोनों ही लिपस्टिक इतने ज्यादा अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं आपके लिप्स में, ट्रांसफर प्रूफ हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अफोर्डेबल लिपस्टिक है अंडर 100 में।
सो आप इसे जरूर चेक कीजिएगा और इसे आप परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर लीजिएगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो यार गाइज, मेरा जो पिंक ग्लैम मेकअप लुक है वो कम्प्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये परफेक्ट पिंक ग्लैम मेकअप लुक मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में मैंने इसे क्रिएट किया है। आई होप कि आपको ये लुक पसंद है और आप इसे क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट मैंने ऐसे यूज किए हैं जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप लोकल शॉप से ले लें, चाहे आप ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस करना चाहें तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।